हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी सी पे दोस्तों ट्वेंटी सिक्स जनवरी है आज हम लोग सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू और आज ही के दिन हम लोग द हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे क्विज भी खेलने वाले हैं तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपब्लिक डे क्विज़ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में यानी कब होना है कैसे होना है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के होंगे सारे कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं तो जिन लोगों ने जिन बच्चों ने इस क्विज के लिए हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे क्विज यानी आगे से मैं क्विज बोलूँगा इसके बारे में तो इस क्विज के लिए रजिस्टर किया है अपने ई मेल और मोबाइल से साथ में अपना नाम भी लिखे होंगे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहीं पे इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ जब आप क्विज दे रहे होंगे तो आपको उसी ईमेल आईडी को उस मोबाइल नंबर तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसी ईमेल आईडी को लिखना है वहाँ पे जिससे आप रजिस्टर किए हैं और सेम वही नाम लिखना है जिससे आप रजिस्टर किए हैं चलिए आगे बताते हैं तो आप लोगों ने जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा उनको एक मेल आया होगा मेल इस तरह का होगा एच टी स्कूल की तरफ से आया हुआ तो इसको चलिए क्लिक करते हैं और इसमें सारा डिटेल्स है उसको हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे को इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रीलिम्स इज ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो आज के दिन प्रीलिम होने वाला है आपको लॉगिन करना है रिपोर्टिंग टाइम जो है एलेवन थर्टी है हालांकि क्विज जो होगा बारह बजे स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग टाइम एलेवन थर्टी है जानने के लिए कि साहब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन कोई भी डाउट हो कि या किसी तरह का लॉगिन में दिक्कत होती हो तो आप उसको ठीक कर सकें इसलिए आधा घंटा पहले का रिपोर्टिंग टाइम है क्विज स्टार्ट होगा बारह बजे लेकिन इस बीच में करीब पौने बारह बजे एलेवन फोर्टी फाइव पे बारह बजे क्यों शुरू होगा एलेवन टाइम में एलेवन थर्टी पर रिपोर्टिंग टाइम है लेकिन पौने ग्यारह सॉरी एलेवन फोर्टी फाइव पे आपके पास एक और लिंक आएगा जो ग्रेड स्पेसिफिक लिंक होगा यानी आप मान लीजिए एट्थ क्लास के लिए या नाइन्थ क्लास जिस भी क्लास के लिए आपने रजिस्टर्ड किया होगा तो आपके पास उस ग्रेड से संबंधित यानी नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए अलग लिंक आएगा टेंथ अलेवेंथ ट्वेल्थ, इस तरह अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग लिंक आएगा जहाँ से आप क्विज को दे सकते हैं ज्वाइन जो क्विज में जाते हैं देखते हैं क्या है अभी ज्वाइन नहीं होगा ये आपको सिर्फ जानने के लिए है आपको फैमिलियर होने के लिए है अभी यही सब लिखा होगा जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्यूज मास्टर ये आपको नहीं दिखेंगे फ़िनाले के दिन ये दोनों दिखेंगे और ये क्वेश्चन पूछेंगे फ़िनाले में जो रजिस्टर किया है वो सब एक्सप्लोर द क्विज उसके नीचे भी कुछ रिकॉर्ड है जैसे पिछले साल जो हुआ था देखिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है यह मैं बताने वाला हूँ पिछले साल जो क्लासक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपब्लिक डे क्विज हुआ था जिसमें पचास हज़ार छः सौ ग्यारह लोगों ने रजिस्टर किया था थर्टी टू कंट्रीज से यानी वर्ल्ड वाइड होता है और पांच कंटीनेंट यानी पांच कंटीनेंट्स के थर्टी टू कंट्रीज़ के पचास हज़ार लोगों ने रजिस्टर किया था जो सबसे बड़ा ऑनलाइन इंटर स्कूल क्विज है ऑनलाइन स्कूल क्विज में ये सबसे ज़्यादा नंबर है जिसके लिए इन इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्हें शामिल किया गया तो ये एक तरह का प्रेस्टिजियस ऑनलाइन क्विज है जो स्कूली बच्चों को बच्चे के बारे में है बच्चों के लिए है अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ और नीचे चलता हूँ यहाँ पे मुझे इसी मेल पे जो मेल आया उनके सबसे एक नीचे पीडीएफ मिलेगा मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ सारे टर्म्स एंड कंडीशन मुझे दिख जाने वाले हैं इसी को लेके हम लोग ये वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे ऊपर देख रहे हैं क्लास एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे क्विज तो सारा इसमें जो बातें लिखी गई उसके बारे में बात करेंगे यहाँ आपको छोटा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये आप अब मैं जो बोलूँगा उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना यदि दिखे नहीं तो आप तो पहले पॉइंट में है द कोइज विल अनफोल्ड ओवर टू राउंड्स दो राउंड में होगा प्रीलिम्स और फिनाले में प्रीलिम्स जो होगा 26 जनवरी को 12 बजे दिन में होगा एंड द ग्रैंड फिनाले पाँच फरवरी को दस बजे सुबह होगा पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको आज बारह बजे प्रीलिम्स क्विज होगा पहली से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए तो आपको बारह बजे लॉगिन नहीं करना आपको एलेवन थर्ट ट्री पे जाना है सब फैमिलियर हो जाना है कि बाद में आपका टाइम नहीं बर्बाद हो सब कुछ डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को यहाँ भी आपको लिंक दिया जा रहा है जिस लिंक के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे क्विज देना है और वहीं क्विज पे आपको ग्रेड स्पेसिफिक लिंक भी मिल जाएगा पौने बारह बजे जिसका लेकिन क्विज स्टार्ट होगा बारह बजे ही याद रखना है ग्यारह पैंतालीस में लिंक मिलेगा भी ग्रेड स्पेसिफिक लिंक तो बारह बजे ही स्टार्ट होगा एक घंटे के लिए होगा चलिए आगे उसके बारे में बात करेंगे किस लिए 1130 थर्टी पर लॉग होना है टू फेवलियराइज योरसेल्फ विद द इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स यानी आप इंस्ट्रक्शन और रूल से आप फैमिलियर हो जाइए तीसरा पॉइंट है कहाँ पे होगा कहूट प्लेटफॉर्म पे देयर विल भी स्पेसिफिक लिंक फॉर इच डिपार्टमेंट डिपार्ट एलेवन फोर्टी फाइव पे कहूट लिंक पे आपको अपने आप कहूट लिंक पे ले जाएगा ये चौथा पॉइंट है फिलिम्स कहूट लिंक विल बी विल ओनली बी एक्टिव एट शॉर्प शार्प टूम देखिए लिंक तो आपको बारह बजे ही एक्टिव होगा क्विज देने वाला जो ग्रेड स्पेसिफिक लिंक आएगा आप कॉर्ट लिंक पे आप उससे पहले इसलिए आपको लॉगिन करना है कि आप तो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन से फैमिलियर हो जाइए और 12 बजे वो लिंक शुरू होगा क्विज देने वाला और एक बजे ख़त्म भी हो जाएगा एक घंटे का क्विज है आपको एक बजे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वो आप दिए हो या नहीं दिए हो इस बीच में मान लीजिए एक चीज़ यही क्लियर कर देता हूँ मान लीजिए कि आपने पाँच सात क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और फिर उसके बाद आपका नेट चला गया या किसी वजह से बंद हो गया स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप बंद हो गया तो अब दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं आप जितने क्वेश्चन तक किए होंगे अगला क्वेश्चन वहाँ से आना शुरू हो जाएगा यही लिखा हुआ है बी पॉइंट में ट्रबल शूटिंग ऑफ टेक्निकल इशू इसके बारे में यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बता दिया यदि किसी वजह से आपका तब भी काम नहीं बनता तो यहाँ ये यह मोबाइल नंबर है और यहाँ ई मेल है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं आगे बताओ तो भरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको ध्यान रखिएगा पहले से आपको सब कुछ पता होगा तो क्विज देने में आसानी होगी तो जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा कि आप ईमेल आईडी डालिए उसमें ईमेल आईडी वही डालना है जिससे आपने अपने आप को रजिस्टर किया है वहाँ आप लॉग हो जाएंगे उसके बाद आपको वही नाम लिखना है जो नाम से आपने रजिस्टर किया है दूसरे पॉइंट में वही है तीसरा पॉइंट है प्रीलिम्स विल हैव सिक्सटी क्वेश्चन साठ क्वेश्चन होंगे साठ मिनट के यानी एक घंटा में साठों क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर लेना है यानी बारह बजे से एक बजे के बीच में उसके आगे लिखा हुआ है यू कैन सबमिट द आंसर टू इच क्वेश्चन विदाउट वेटिंग फॉर द टाइमर टू रन आउट देखिए जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन आएगा वहाँ टाइमर शुरू हो जाएगा तीस सेकेंड का होगा चालीस सेकेंड का या एक मिनट का जो भी होगा अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकते हैं एम सी क्यू इसके लिए थ्री सेकेंड होता है एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है यहाँ पे फिल इन दी बेलेक्सी यानी आपको वर्ड लिखना है एम सी क्यू नहीं होगा यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ग्वालियर है तो आपको वहाँ ग्वालियर लिखना है तो इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे जिसके लिए एक मिनट टाइमर होता है अरे जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देंगे वहाँ टाइमर शुरू हो जाएगा पहला क्वेश्चन के आते ही थ्री सेकेंड होते ही वो सेकेंड क्वेश्चन पर चला जाएगा आप भले सबमिट किए हों या ना किए हों आप वापस बैक नहीं जा सकते पहले क्वेश्चन पे तो यहाँ ध्यान रखें कि लिमिटेड टाइम पे जितना जल्दी करेंगे उससे उतना अच्छा रैंक भी बनेगा जितना स्पीड से आप करेंगे तो आपको बैक जाके फिर पिछले क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर सकते हैं पहला क्वेश्चन आया टाइमर तीस सेकंड का या एक मिनट का शुरू हो गया उस टाइम में आपको लिख देना है जैसे ही आप लिखेंगे भले ही माली जब पंद्रह सेकेंड में लिख दिए तो आपको सेकंड क्वेश्चन पे ले जाएगा इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी क्विज देंगे तो आपका टाइमिंग भी अच्छी होगी करेक्ट आंसर भी होंगे तो आपका रैंक अच्छी होगी अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे देखिए इसके दूसरे चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है प्लीज अटेम्प्टिलियम्स क्विज वॉल्यूम एक ही बार आप दे सकते हो दूसरा देने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको या एम सी एम सी क्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे एम सी क्यूज और दूसरा होगा टाइप इन क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइप इन क्वेश्चन यानी आंसर आपको लिखना है और मैच करना चाहिए उनके डेटाबेस से अगला क्वेश्चन में मैंने अगला पॉइंट जो है वो भी मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि आपको टाइमर शुरू हो जाएगा उसी टाइम के अंदर देना हो और जितना जल्दी दे सकेंगे उतना जल्दी दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे और जितना जल्दी क्विज को फिनिश करेंगे उतना रैंक आपकी अच्छी हो सकती है एक जैसे ही आप पहला क्वेश्चन दिया वो अपने आप सबमिट हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा ऐसे दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे अपने आप और थर्ड क्वेश्चन पे चला जाएगा आपको आ, आ, त, मतलब आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं हुई दूसरे क्वेश्चन का टाइमर शुरू हो जाएगा फिर तीसरे क्वेश्चन का तो इस तरह से आगे चलेगा मेरे ख्याल से मैं सही तरीके से आप लोग को सब कुछ समझा पा रहा हूँ अच्छा जब वो आप टाइपिंग क्वेश्चन होंगे जहाँ आंसर टाइप करना है एमसीक्यूज नहीं है तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं यूज करना है जो नाम है मान लीजिए मिर्जापुर तो मिर्ज़ापुर लिखना है या किसी का नाम है जैसे मेरा नाम विजेश रंजन विजेश रंजन लिखना है तो आगे पीछे कुछ भी स्पेसिफिक लाइन नहीं लिखना है जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे जब क्विज खत्म हो जाएगा तो आपको रैंक नहीं बताएगा आपको फोर्टी एट आवर्स के बाद आपको आपसे कांटेक्ट किया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्टर के समय यूज किया गया है यूज किया है आपने वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप फिनाले के लिए सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टिसिपेट पहली से बारहवीं क्लास के बच्चे कर रहे हैं पहली से पाँचवीं या छठी पाँचवीं तक बच्चे सिर्फ प्रिलियम्स देंगे और छठी से बारहवीं क्लास के बच्चे फिनाले देंगे वो कौन से बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स में टॉप हंड्रेड बच्चे होंगे वो फिनाले में जाएंगे टॉप हंड्रेड बच्चों का ही फिनाले होगा सबसे लास्ट पॉइंट है वी विल रीच यू टू यू बायर स्टडी जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको फोर्टी एट आवर्स के बाद आपको बता दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया तो क्विज अटेम्प्ट करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है यदि हेल्पफुल होता है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना इस तरह का क्विज आपको मेरे माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा थैंक यू वेरी मच